मान लीजिए कि मैं मेरे पास एक आईडी प्रूफ के लिए सबमिशन फॉर्म है जिसपे नेम और उसने क्या आईडी प्रूफ सेव दिया है, तो यहाँ पे ऑप्शन है कि वो पेन दे सकता है, वो वोटर आई कार्ड दे सकता है, वो डीएल दे सकता है या आधार दे सकता है या पासपोर्ट दे सकता है, और यहाँ पे मुझे स्टेटस बताना है। तो अब जरूरी नहीं है कि वो सारा देगा, हो सकता है कि पूजा ने पैन को दे दिया है और नीरज जो है वो उसने क्या किया है कि वोटर आई कार्ड को दिया और उसने एक पासपोर्ट भी दे दिया, तो कोई एक भी दे सकता है या एक से ज्यादा भी दे सकता है। तो यहां पे मुझे स्टेटस में ओके या पेंडिंग शो करना है कि अगर उसको कहीं भी वाई मिल जाए तो ओके होना चाहिए, अगर कहीं वाई ना मिले तो पेंडिंग होना चाहिए। ओके, तो यहां पे कंडीशन देते हैं इफ का कि इफ हमने इसको सेलेक्ट किया और बोला कि दैट इज इक्वल टू वाई कॉमा, फिर वापस हमने इसको सेलेक्ट किया और बोला इक्वल टू वाई, और फिर इसको सेलेक्ट किया और बोला इक्वल टू वाई, और अगेन इसको सेलेक्ट किया और बोला इक्वल टू वाई, और फिर सेलेक्ट किया और बोला इक्वल टू वाई। इफ नहीं, माफ कीजिएगा, हमें एंड और लगाना पड़ेगा, इस और को हमें इफ के अंदर डालना होगा। हमने तो ट्रू एंड फॉल्स आ गया, तो ट्रू को ओके और फॉल्स को पेंडिंग करने के लिए इफ हम पहले डालेंगे कि इफ, और यहां पे देंगे ओके फिर पेंडिंग। मन आ गया, अगर मैं यहां से हटा दूं तो पेंडिंग हो जाएगा। तो ये तो इफ का और का एग्जाम्पल इसी तरीके से हम देते हैं। ठीक है, अब इसी में एक ऑफिशियल एग्जाम्पल हम करें।